बल्कि क्या किया मसीह, एक शख्स को गोली मारी गई है जो कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ भी पर्चा दे दिया है। वह मुसलमान मसीहों का झगड़ा हुआ है, मुसलमान ने हमला किया पहले भी मसीह बच्चों के ऊपर, उन्होंने बर्दाश्त किया है, बंदा मरिया, दूसरी पार्टी उन्होंने खुद आप मारे, हाँ जी उन्हें बुला के आप खुद नु डांग मारी ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਿਪਰ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੰਧੂ, ਅਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਨੇ ਜੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। कसूर में हुआ हरी, वहाँ पर मसीहों के साथ झगड़ा हुआ है, मुस्लिम मसीह फताद हुआ है, उसमें पुलिस ने बहुत बड़ी जास्ती की है। हर जगह पर मसीहों के साथ ही जुल्म होता है और इनको मसीह जानकर, कमज़ोर जानकर नज़रअंदाज किया जाता है। पुलिस ने मसीह लोगों को पकड़े रखा है, कोई 2.5 महीने बंद किया, कोई उनके खिलाफ़ पहले पर्चा नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जब हम लोगों ने शोर डाला तो फिर उनके 5 बंदे गिरफ्तार किए हैं। जो बंदा वहाँ पर मर गया है वो मसीहों के झगड़े में या मसीहों की किसी लाठी से या किसी पिस्तौल वगैरह से नहीं मरा। ये वीडियो इन लोगों के पास है, पुलिस को भी दिखाई गई है, DPO को भी दिखाई गई है, ताकि उसमें ये प्रूफ हुआ है कि उन्हीं की डांग से मरा हुआ है। बल्कि क्या किया मसीह, एक शख्स को गोली मारी गई है जो कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ भी पर्चा दे दिया है। किसी मसीह की डांग उसको नहीं लगी। और अब हम पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत के आगे, वज़ीरे आज़म साहब के आगे अपील करते हैं, वज़ीरे आला पंजाब के आगे अपील करते हैं, गवर्नर साहब के आगे अपील करते हैं, IG पंजाब के आगे अपील करते हैं, और जनाब चीफ जस्टिस के आगे अपील करते हैं कि खुदाया इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करके फौरी तौर पर, मेरिट पर, हम अनमेरिट की बात नहीं करते, मेरिट पर जो लोगों का कसूर ही नहीं है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ, मसीहों को इंसाफ ना मिला, तो हम समझेंगे कि मसीहों ने पाकिस्तान तो बनाया है लेकिन पाकिस्तान में इन लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता, इनको मसीह जान के नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर ऐसा हुकूमत ने इसके ऊपर कोई गौर ना किया तो हम आने वाले वक्त में 4 सूबों में कॉल करेंगे तमाम मसीह बलादरी के आगे, तमाम सियासी कारकुनों के आगे, समाजी कारकुनों के आगे, मिनिस्ट्री के लोगों के आगे, और जनाब फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इसकी जुम्मेदार जोन सी होगी वो हुकूमत होगी। अब हुकूमत के आगे हम अपील कर रहे हैं, हमारी बेवसी का जहार आपको नज़र आ रहा है कि हम सड़कों पे आ गए हैं, सरापा इतजाज, खुदाया हमें मजबूर ना किया जाए। पाकिस्तान हम सब का अपना प्यारा वतन है, हम पाकिस्तान की खैरियत और सलामती की दुआ भी करते हैं। तो वकुआ ये हुआ है कि मुसलमान मसीहों का झगड़ा हुआ है, मुसलमान ने हमला किया पहले भी मसीह बच्चों के ऊपर, उन्होंने बर्दाश्त किया है, फिर झगड़ा किया, फिर लोगों को जमा किया, गांव वाले लोगों को, और कहा गया कि चूड़ों के घरों को जला दिया जाए और इनको आग लगाई जाए, इनको मारा जाए। इसी झगड़ा डंगा फसाद में उन्हीं की बंदे की लाठी उसके सर पर लगी है, उन्हीं की लाठी से वो बंदा मरा, मसीहों से वो बंदा नहीं मरा। अरे हटके लड़ाई हुई सी। हेलो
हरियाणा च लड़ाई हुई सी ते मीन ने डांग मारी है उस मुंडे ते तो पा दिता साढ़े ते नजायज उत्थे वाक्य होया लड़ाई हुई है ते साढ़े बंदे नूं फैर वजा अज तक इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, पौने तीन महीने। हाँ जी, ये नवे महीने की 9 तरीक का है। पुलिस जी उन्होंने मिली खड़ी है, कोई साड़ी सुनाई नहीं दे रही दूसरी पार्टी नाल। सियासत पार्टी। सियासत पार्टी। हाँ जी। कौन लोग? MNA MPA। केड़े नाम बोलो ना। अहमद सईद। केड़ी पार्टी है? ये नून लीग दी। असि भी उन्होंने वोट देंदे रहे हैं आज तक, आज साड़ी सुन नहीं रहा। फैर वजा जो फैर मारिया जिसले तो केस बराबर करने लई आपका बंदा जिहड़ा अगे कर लिया उन्हूं मार के बराबर कर लिया। नाम की सी बंदे ने मारिया? जिन्हूं जवेद तीसरी लड़ाई बंदा बराबर करके मारिया। अच्छा, केस बराबर साढ़े बंदे नूं फैर लग गया, अज तक इंसाफ नहीं मिला। नहीं, बच गया लड़ाई च नहीं दुश्मनी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। इंसाफ मिले। इंसाफ मिले अपने इंसाफ वास्ते इत्थे आए हैं, इंसाफ वास्ते इत्थे आए हैं। हुकूमत नाल अपील साडी कि सानू इंसाफ दिता है। बेगुनाह साडे बंदे, बेगुनाह साडे 6-7 बंदे साडे अंदर ने, बेगुनाह ने जी सर। डीपीओ तारक अजीज साहब। तारक अजीज सिंधु। अकरम मोहम्मद अकरम ने जी फायर मारिया, हले तक 3 महीने हो गए, हले तक बार पुलिस नहीं फड़ सकी। बेइंसाफी हुई उन्होंने लड़ाई च। हाँ जी, मोहम्मद अकरम ने फायर मार हरिहार, पिंड हरिहार, हरिहार दोवें कौम जा। हाँ जी जी जी। हेलो, ओके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।